तो गाइस देख रहे हैं आप लोग, सस्ता बिक रहा है टमाटर, खरीदी 11 रुपये का है और 13 बिक रहा है आज, 15 भी नहीं, सब लोग 10 बेच रहे हैं। कौन? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और देखिए हम लोग यहाँ पे धूप ताप रहे हैं गली के पास में। ये देखिए यहाँ पे छोटा पप्पी आया हम लोग घर के पास में, और ये पलक बिस्कुट खा रही थी, पूरा बिस्कुट ना ये पलक जो है पप्पी खिला दिया। क्यूट दिख रहा है, देखो दोस्तों। देखिए हमारी पलक की आंख जो है अभी कुछ ठीक हो गया है, जैसे कि आप लोगों ने कल की वीडियो में देखा कि मैंने पलक को ना वो आम का जो टहनी होता है उसको तोड़ करके उसका जो निकलता है ना पानी उसको लगाया था, तो अभी देखिए पलक का आंख कुछ ठीक लग रहा है। तो कहीं ना कहीं विश्वास होता है आयुर्वेद पे, क्योंकि हमारी अम्मा लोग यानी कि पुराने लोग सब जानते हैं ना, लेकिन ना डॉक्टरी इलाज भी ठीक होता है लेकिन आयुर्वेदिक में भी ठीक हो जाते हैं, तो विश्वास होता है और सबको करना भी चाहिए। अरे क्या लगाया था, बोली क्या लगाया था बाबू को? लगा था यह पर चोट। कैसे लगा? रोड़े गिर गया था। कैसे गिर गया था? झूला से गाड़ी से। गाड़ी से तुम भी थी ना वहाँ पे? तुम भी उसको पकड़ रही थी? तू जब वो पकड़ रही थी ना, तो ध्यान अपने भाई का ध्यान रखा करो बेटा, है ना? हाँ, अपने भाई का ध्यान रखना चाहिए ना। ये देखिए छोटा पप्पी आ गया। ऐसे बहुत सारे बच्चे ना मोहल्ले में घूमते रहते हैं, मेरे घर के पास ही है ये। पापा ये मरा नहीं है, ये भाई छोटे है बड़ा। अच्छा पप्पी के नाम क्या रखे हो तुम? पप्पी के नाम कुछ रखे हो कि नहीं इसका? अरे नाम कुछ रखी है सर, क्या नाम रखी है? पप्पी छोटा पप्पी है। देख काट ना देगा। अरे 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 देखो किसी कर रहा है वो, भाटा किसी कर दिया। छोटा आँखी है पप्पी लोग, कहाँ छोटा ही देता है। अरे नाखून तो बड़ा हो गया इसका, तो नाखून तो बड़े ही होते हैं ना जानवर लोग का, है ना? कुत्तों का नाखून तो बड़े ही रहते हैं। कुत्ता है, छोटे पप्पी बोलते हैं पप्पी, है ना? अरे कौन डॉगी? अरे बाप रे सोता रहता है। इसकी कौन सा घर है उसका? वो डॉगी घर है, मैं तो नहीं देखा हूँ। अच्छा तो अच्छा पप्पी को आप लेके आए हो, है ना? तो पकड़ के ले आए हो। कुछ खिलाते हो कि नहीं पप्पी को? बिस्कुट खिलाई थी बस। अच्छा अब एक बचा था टोल ली थी तो उसमें पेट कहाँ भरा होगा उसका? भरा होगा, एक बिस्कुट में पेट भर जाएगा उसका। उसको खाना भी खिला देना बाद में, ठीक है? ठीक। जब खाना पक जाएगा ना तो खाना भी खिला देना, ठीक है? जो पप्पी है ना वो पलक के लिए की आई थी उधर मोहल्ले तरफ से, और उसको बिस्किट भी खिलाती है ना, अब मेरे को पता नहीं था, लेकिन बच्चों को ना बचा के रखना पड़ेगा छोटे कुत्तों से, पता चले काट वाट दिया तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो बचाना पड़ेगा। मुझे पता नहीं था कि पलक ऐसा वहाँ से कुत्ता को लेके आ गई थी। ओए किसी को इसे उठा के मत ले आना घर में, ठीक है? अरे तो इसे उठा के मत ले आना भाई किसी को। अच्छा काट दिया तो घर जा जाऊंगी। हाँ उठा दूंगी। अच्छा नहीं उससे पहले काट दिया तो? काट दिया तो क्या सुई लगाना पड़ेगा ना? नहीं इंजेक्शन लगाना पड़ेगा ना भाई। नहीं आप चबाऊंगा। देखो ये देखिए हमारी नैना स्कूल जा रही है ना, स्कूल इसलिए जा रही है, स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं मतलब आज सैटरडे है तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, अभी 26 जनवरी आ रहा है ना, तो नैना भी उसमें भाग ली है तो डांस करेगी। प्रैक्टिस होगा घर में, दिखाऊंगा आपको किस में डांस कर रही है।
तो अभी वो जल्दी जाती है, अभी 8 बज रहे हैं ना, 8 तो 8 के दिन वो जल्दी स्कूल जाती है, फिर जल्दी आ भी जाएगी। ठीक है, जा रही स्कूल, चल बाय कर दो। तो नहीं नहीं क्यों खींचेंगे, नहीं खींचेंगे भाई, नहीं खींचेंगे, नहीं 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 खींचेंगे। तो यार अब जो है सुबह के 10 बजने लगे और मैं खाना खा लिया हूँ अभी, और खाना खाने के बाद ना मैं जा रहा हूँ मार्केट की तरफ, मतलब अभी जाऊँगा सब्जी लेने के लिए यहीं पास में किसान के पास में, वहाँ से सब्जियाँ लूँगा जो जो मिल जाए, देखते हैं क्या क्या मिलेगा आज। तो आपको बताता हूँ कि क्या आज का क्या रेट है सब्जियों का और क्या बिकेगी। तो ये देखिए मेरी गाड़ी यहाँ पे तैयार हो गई है, झोला वगैरह सब रख लिया हमें अपना, और अब चलते हैं यार सब्जी लेने के लिए। ठीक है, तो ब्लॉग में बने रहिएगा और देखते हैं आज क्या क्या सब्जी मिल पाता है, क्योंकि आज मौसम भी खराब है ना, तो पता नहीं क्या रेट चल रहा है और कितनी सब्जी मिल पाती है। 2 minutes later तो यार हम लोग आ गए हैं टमाटर के बाड़ी में, देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा टमाटर का बाड़ी है। कई बार यहाँ से मैं ले गया हूँ और यहाँ से ना 3 पेड़ टमाटर लेके जा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वालिटी बहुत अच्छा है टमाटर का, ये देखिए। और ये टमाटर ना मेरे को 280 रुपये कैरेट पड़ रहा है, तो जल्दी से टमाटर भर लेते हैं, उसके बाद और आगे जाना है और आप देखते हैं क्या क्या सब्ज़ी मिल पाता है वहाँ पे। ठीक है, तो जल्दी से भरते हैं। और यहाँ देखिए पूरा इधर तोड़ रहे हैं सब महिलाएं इधर। A few moments later तो यार भाई जी अभी हम लोग आ गए भाटा वाले बाड़ी पे, अब देख पाएंगे यहाँ पे भाटा वगैरह भर रहा हूँ, वहाँ से इतना 3 पेड़ टमाटर लेके आया हूँ। और यहाँ पे भाटा अभी रखने के बाद अब शायद सब्जी नहीं मिलेगी, तो जो बाजार में मिलेगा ना वो खरीदेंगे। यहाँ देख पाएंगे हमारे मित्र हैं यहाँ पे आए हैं, ये अशोक चाचा, ये भी भर रहे हैं देखिए भाटा यहाँ पे। और हमारे ये वहाँ बैठे हैं सेठ जी, इन्हीं से लिए हैं भाटा। जल्दी बिल काटो भैया। देखिए मेरी गाड़ी का सेटअप, इसमें ना टमाटर मैं कैसे रखा हूँ, ये देखिए दोनों तरफ एक एक झोला है, बीच में एक डंडा है, दोनों मिला के 3 पेटी है, इसमें 3 पेटी जो है रखा हूँ। और अभी इसके ऊपर एक झाल में रखेंगे भाटा और जो मिल जाएगा वो सब्जी। चलो यार जल्दी से अभी भरते हैं भाटा को, और मौसम देखिए ना कितना ख़राब है, ये देखिए एकदम से कुछ धूप कहीं पता ही नहीं चल रहा। A few minutes later दोपहर के 2 बज गए हैं और मैं जा रहा हूँ मार्केट बेचने के लिए सब्जी, देखते हैं कैसा बाजार है क्या है। आज ना कुल मतलब मैं कुल 1500 की सब्जी लेके आया हूँ, सबसे कम 1500 की सब्जी लेके आया हूँ, देखते हैं उसमें कितनी प्रॉफिट हो पाती है। ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए यार आप चलते हैं, हमेशा की तरह घर को बोलेंगे बाय। तो हाँ जी मैं अभी बाज़ार पहुँच चुका हूँ, देखिए लेकिन शुरुआत कर रहा हूँ, ये देखिए ये बाज़ार में आ चुका हूँ और मेरी दुकान वहाँ पे लगेगी वो लड़के के पीछे में, लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूँ बाज़ार में ब्लॉग की। यहाँ पे भैया है मेरे एक लंबू मनिहारी, इन्हीं के यहाँ से ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, इनका मेरे से ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग चैनल है, तो हम मित्र ही हैं, मैं यहीं शुरू कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे मेरा दुकान लगेगा है ना। आपका तो जल्दी लग गया है दुकान, ठीक है लगा लिए दो, तो फिर भैया को लगा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर अगले। यहाँ पे मेरे सामान रखा हुआ है टमाटर और भाटा, यहीं पे दुकान लगने वाला है, तो चलो यार जल्दी दुकान लगा लेते हैं। और मौसम देखिए आज एकदम से मौसम पूरा बदली किया हुआ है और बूंदा बांदी भी हो रहा था, तो चलिए सब लोग लगा लिए हैं, हम भी लगा लेते हैं जल्दी से, पता नहीं बिक्री बिक्री होता है कि नहीं। ये देखिए ये लोग जब भी देखेंगे हंसने लग जाते हैं कि ये ब्लॉग करे लड़का। दोस्तों देखिए टमाटर जो है लग चुकी है 75 किलो की, और यहाँ पे बैगन बैगन वगैरह रखा है, लेकिन एक पन्नी ना इसको मैं ये भैया को बेच रहा हूँ, क्योंकि ये ना खरीदी है 16 की और 20 में बेच रहा हूँ, तो इसमें 4 रुपये का 50 किलो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो दे दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट कब बदल जाए भाई कौन जानता है, तो भले 50 मिले लेकिन मैं बेच दे रहा हूँ इसको अभी। तो ये भैया दे दिया है इनको, एक पन्नी भाड़ा बेच दिया हूँ। ठीक है भैया अच्छे से बेचना, कमा लेना। एक नंबर यार। यार ये बोहनी हो गई है मेरी, चलिए ये लक्ष्मी भैया। यार मेरी दुकान जो है लग चुकी है, देखिए मेरे पास दो ही है, एक टमाटर और भाटा, तो चलिए कुछ खाने के लिए सब्जी भी ले लेते हैं, घर में सब्जियां नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आया हूँ ये भैया के पास में, ये किसान भाई है और इसका सब्जी ना बहुत ही अच्छा होता है, स्वादिष्ट और ऑर्गेनिक बिना खाद वाला। ये देखिए ये भाजी और वो मेथी भाजी और वो पालक भाजी, और ये छिप रहा है देखो। पता नहीं लोग छिपते क्यों कैमरा से भाई, कहाँ है भूत थोड़ी आ गया यार, घर में लगाए ना। बारी का कैसे लगाए हो? इसका 3 है लाल भाजी, मेथी 10 के 2 मुट्ठा है ना, पालक
दस के चार लगाना। तो चलो यार ले लेते हैं खाने के लिए, दे ना भाई दे, एक दे और मेथी भाजी दे, दोनों का दस का इसको, हाँ दस का इसको दे दो, दस का उसको दे दो, जो दे कह दे ते नाटक जे कर, समझे ना। पालक हाँ हो जाएगा, अभी तीन बजने वाले हैं, मार्केट अभी लगा नहीं है, देखिए इधर पूरा खाली है अभी, लेकिन बारिश होने लग गई है, देखिए अभी बारिश हो गई है, हालांकि ऊपर जो है आलू वाले भैया का ना, देखिए ये आलू वाले भैया सस्ती मित्र हमारा, कई पाल लगा हुआ है तो कम से कम मैं पानी से बच गया हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा देखिए आधा ही है तो सब्जी वगैरह भीग रहा है, ये पानी मतलब बहुत ठंड लग रहा है, इसलिए सेफ्टी के लिए मैंने ये बांध दिया है अपना माफलर वगैरह, तो देखते हैं अभी कैसा होता है, बिक्री प्रॉफिट होती है कि नहीं, तो सामान आज कम रखा हूँ मैं, इधर क्या है सामान मिलता नहीं ज़्यादा ना, और मंडी यहाँ से दूर है, हम लोग के यहाँ पास अनूपपुर मंडी पड़ता है, लेकिन मैंने बहुत दूर है यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर, तो कभी कभार ही जा पाते हैं, नहीं तो फिर दूर एक तो आने जाने में दिक्कत होती है ना, इसलिए तो अगर यहाँ पे जब तक यहाँ जो जो सब्ज़ियाँ मिलता है उसको बेचेंगे, और जो नहीं जब नहीं मिलेगा तो जाएंगे ना मंडी सब्जी मंडी। आओ भैया कहाँ लेना है, सस्ता है भैया 30 रुपये किलो यार, टमाटर भैया अभी तो 20 बेच रहा हूँ, 20 दो किलो 30 लग जाएगा, 2 किलो 30 जी, कितना चाहिए था आपको, और कहा भैया बस हो गया, कितना चाहिए था आपको, 5 किलो, तो ठीक है ना भैया 15 लगा देंगे, ले जाना, ब्याह में ले जाना है, किसका ब्याह हो रहा है, ठीक है ना लग जाएगा ना, 15 ले जाना, 15 लगा देंगे, हाँ एक मिनट रुको ना, ₹20 किलो 20 किलो 2 किलो 30 2 किलो 30 2 किलो 20 5 किलो लेगा टमाटर वाले, टमाटर वाले ले जाओ ना, 15 है टमाटर वाले, टमाटर वाले आलू 1 किलो 20 आलू 1 किलो 20 चेंज दे यार दीदी, चिल्लर का दिक्कत है, ये लो आपका 80 रुपये, कितना जाए सही जी, ये महिला 15 है 2 किलो 30 है भाटा टमाटर वाले, आओ टमाटर भाटा ले जाओ, टमाटर भाटा और देसी वाला मिलेगा भैया, आओ भाटा 15 में आधा किलो 15 में आधा किलो, आओ 15 रुपया किलो, 20 में 1.5 किलो टमाटर, कायदा ही मांगता है ले, 20 में 1.5 किलो 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 15 रुपया किलो 20 में 1.5 किलो आओ 15 रुपया किलो 20 में 1.5 किलो आओ सस्ता हो गया जी, आओ 15 रुपया किलो 20 में 1.5 किलो 15 रुपया किलो 20 में 1.5 किलो टमाटर, आओ 15 रुपया किलो 20 में 1.5 किलो आओ सस्ता हो गया, कितना भैया आओ 15 रुपया किलो 20 में 1.5 किलो किलो 20 में 1.5 किलो 15 रुपया किलो 20 में 1.5 किलो तो गाइस देख रहे हैं आप लोग सस्ता बिक रहा है टमाटर, खरीदी 11 रुपये का है और 13 बिक रहा है आज, 15 भी नहीं, तो पता नहीं यार दिखते कमाई होता है कि नहीं, सब लोग 10 बेच रहे हैं, आओ
15 रुपया किलो 20 में 1.5 किलो 15 रुपया किलो 20 में 1.5 किलो महंगे आप लोग सस्ता बेचने के बाद भी टमाटर बिक नहीं पा रहा है। हम भी ले जाओ 30 रुपये किलो 30। तो यार लग रहा है कि आज नहीं बिक पाएगा। देखते कितना लॉस में चल रहा हूँ अभी मैं, वो हिसाब करने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी 20 का डेढ़ बेच रहा हूँ, मतलब 13 रुपये किलो। तो देखते हैं, अभी समय है आधा एक घंटा, बेच कर देखते हैं। अगर बिक जाएगा ठीक है, फिर तो कल बेच के फिर रिकवर करेंगे अपना लॉस। ये देखिए मेरे नए मित्र बगल में बैठे हैं। ये भैया अदरक लेके आए, देखिए अदरक लेके आए हैं। और वो दिखाओ गांछी, दिखाओ गांछी, गांछी प्याज गांछी। हाँ, और ये बेच रहे हैं प्याज गांछी, अपने घर से लाए हैं भैया। आपका नाम क्या है? राजेश कुशवाहा। राजेश कुशवाहा है, चलिए बोल रहे जी जी ठीक। तो यार भाई जी, अब 6 बज गए, 6:30 शाम हो गई है, अब बाजार समाप्त होने वाला है, लेकिन हमारी सब्जियां अभी बची हुई है। तो ये क्या है, अभी मतलब लॉस में चल रहा हूँ मैं, कमाई तो होगी नहीं इससे। तो देखिए अब पूरा अंधेरा हो गया सब तरफ, देखते हैं कुछ लोग और बुला के। और दीदी ले जाओ, का ले आओ, सस्ता है, आवा ले ले आ कुछ। लो जी हम तो घर आ गए। आज ऐसा है कि बाजार डाउन हो गया एकदम से, क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था, बारिश वारिश होने लग गई थी ना इस चक्कर में। तो क्योंकि मैं लाया था 1500 का, तो उसमें से ना मेरा मतलब उसमें से मान लीजिए 1400 ही मेरे पास आ पाए, 200 रुपया अभी भी मैं लॉस में चल रहा हूँ। तो कल उसको बेच के रिकवर कर लूँगा, मतलब कमाई। और एक कैट मान लीजिए टमाटर मेरे पास बचे होंगे अभी, इसमें मेरी कमाई होगी लगभग 200-300 और मेरा मूलधन होगा। तो एकदम से लॉस तो नहीं हो जाएगा, मिलेगा 200-300 रुपये, क्योंकि अभी बाज़ार बहुत डाउन चल रहा है। तो चलिए यार, मिलने के आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।